लेकिन जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, जिन्होंने ऐसे ही अपने एनओसी ये कहूँ इतने दुर्भाग्य की बात है कि सभी पार्टियों को बड़ा था अल्टीमेटली 2 साल की मेहनत के बाद उन्हीं पिलर से और पिलर बनाना पड़ा। कितना मजबूत था 200 साल 300 साल गुजरने के बाद ही उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और बड़ी शर्म की बात है जब बनाने का पुल जो है जो कि चंद वर्षों पहले ही बना था वो बैठ गया। ऐसी बैटल रोड और उसके बाद पुलिंग इतनी जरूरत है कि अगर वो पुल जल्दी तामीर नहीं होता, रिपेयर नहीं होता, तो उसके लिए गंभीर जो हमारे प्रॉब्लम जो है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वो भी हमारे पास। आप सोचिए मैं एक ले मैन हूँ, इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जमीन ये कहती है कि जितना भी कम समय में आप लगाएं, कोला बनाना है उसके ऊपर आपने उसका लेटर भी डालना है, रेस्ट भी देना है, यानी कि 3-4 महीने से पहले ये काम नहीं वो नहीं हुई है। क्योंकि सर कठुआ एक ऐसा हमारा सेंटर है, इसके 10 बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, कोई कब आता है कब जाता है कोई पता नहीं चलता, पर वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कठुआ के लोगों की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अब सबने कह दिया कि चोरियाँ होती हैं, बंदे आते हैं रात को ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बंदे को पता नहीं चलता, तो वेरिफिकेशन प्लीज़ करवाइए, उससे आधी समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी बात में बिल्कुल फायदा होगा। मकान मालिक हमें जब बोलेगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आकर रह रहा है, तभी उसकी वेरिफिकेशन होगी। पुलिस को कैसे पता लगेगा किसने किसको किराए पर मकान दे दिया? तो ये आप लोगों का भी एक जिम्मेवारी बनती है, इसीलिए इसको थाना दिवस यही है, पुलिस पब्लिक मीटिंग, पुलिस पब्लिक जो कॉपरेशन चाहिए। पब्लिक कॉपरेट जब तक नहीं करेगी पुलिस काम नहीं हो सकता है। और उसके लिए भी अगर हमें कोई उसका नेबरर कोई और कोई हमें बताएगा कि ये यहाँ रह रहे हैं, इन्फॉर्म करेगा, तो हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। वायलेशन है वो पब्लिक ही बताएगी तो बिल्कुल। एक घर में कोई रह रहा है उसका नेबर उसको बता सकता है कि यहाँ पे कोई रह रहा है और ये इलीगल है, कौन बंदा है हम जानते नहीं है, हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सर इसके लिए मैं आप दीजिए पब्लिक के लिए, और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा वो बंदा पकड़ा जाएगा। आपको हम PCR का नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी कि क्या दिक्कत हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 1% से 80% कठुआ में जो गाड़ियां चल रही हैं स्कूटर, दे आर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अगर जिस विभाग ने इनको देखना, अगर खाली ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस चेक करे ना, सारी कठुआ की ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी। आपने शायद कल एक हमने टाइम पे ये और गाड़ियां जो जितनी भी हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट हेलमेट, रैश ड्राइविंग, तो उनके ऊपर और भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे और कार्रवाई होगी। बहुत बढ़िया सर, सिर्फ लाइसेंस चेक करिए सर। बोलते हैं कि नरी मोबाइल भी बोल गया, ठीक है, किस तरह होता है उन्होंने जी कराया, उन्होंने मोटरसाइकिल लाया, उन्होंने मेरे बहुत पकड़ लिए, पूछो तस्वीर ने मेरे बदले जो मोबाइल कट लिया, पैसे भी कट ले, मुड़ा बोलिया किसान ने बुलाया हाथ काले रंग का, उन्हें बोले थोड़ा मोटरसाइकिल है काले रंग का, वो कहते नंबर प्लेट तुम्हें दस, ठीक है नोट कर लिया सर साहब ने, किसी को देखा कि प्रायोरिटी पर जो भी होएगा असं दिखा दें, जो भी प्रायोरिटी होगी थोड़ा जी इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि बाकी मेरा लाइसेंस नहीं दी अनजाने कमरा लेइए सिर बड़ी ला लेंगे, जो पुलिस आंदी है मारदी है तो नड़दे एक गली पड़ते हैं, 100-100 पड़ी गली गड़ियां खड़ूर चढ़ते, पुलिस जो चक्कर लाइए आती है, मैं देखना साढ़े DSP साहब काफी इन्हें 2-3 दिन काफी जोर रखा, वो जल्द बड़ी जो रेहड़ियाँ लेइए गली गली लोगों तंग कर सर, ये मसला नहीं है, यदा कि तरीका ये कानूनी कार्रवाई की जाए, पहले तो उनकी वेरीफिकेशन की जाए, वो लोग है कौन जो फड़िया लाने वो साढ़े लोग कोई सरकारी लोग किसी इंडस्ट्री के लोग कौन लोग उनके पर FIR क्यों नहीं लगती? जनाब पिछले 11-12 लोग इधर लगे जब अटल गोयल SSP है जयदा कांड भी सी 12-13 लोगों का कैजुअलिटी हुई सर, और उसके बाद 2-3 कांड बड़े बड़े हो, क्योंकि ये सिंगल रोड है, रेलवे रोड है, इतने ट्रक भी जानी है, आर्मी भी जानी है, इंडस्ट्री की लेबर भी जानी है, इंडस्ट्री के ट्रक भी जाने, बहुत बड़ी इतने ट्रैफिक, ये सर 2-3 प्रॉब्लम, एक तो इलीगल गड्डिया लोग खड़िया करी उड़े, मैं रिक्वेस्ट कर
गड्डियां इलीगल खड़ोई जी वो वन साइड पूरी गड्डियां लगी जाते फिर एक साइड तो दोहरी गड्डी कि वो फिर सर कुछ ने बजती कुछ दुकानदार ने बजती कुछ रेहड़ी ने बजती तो ज्यादा नुकसान होगा इन्हें रेहड़ी बड़ी पर हाँ ठीक है अस गलाने तुम किराए पर दुकाना लाओ या दुकाना करो सड़क च मत बिठाओ और एक गल मैं साफ आख कि जरा भी दुकानदार अपनी दुकान के अगर रेहड़ी लगा सर उसके पास अस उसकी कोई हेल्प नहीं करते अगर डिपार्टमेंट उसे कार्रवाई कर सकता तो खुले दिल कने करे अभी भी सपोर्ट करते क्योंकि मतलब 500 रुपया रेहड़ी किराया देिए क्यों अगर दुकान पर बिठाते और मैं एक दसा तुझे एक यूपी का बंदा उसे 60 आदमी गेंग है जी 7 बंदे की गेंग है उन मतलब पल्ली मोड़ गया चिड़वाल मोड़ को लेकर लखनपुर तक उस बंद रेहड़िया कैप्चर की और उसकी अज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं और उसकी इतने 5 रेहड़ियाँ लगी ने हर चीज़ की रेहड़ी उसकी होंगी है हर किस्म की रेहड़ी होंगी है और उसकी नोटिफिकेशन की है क्या वो कोई पुलिस का मिली भगत है तो सानू पता लगना चाहिए क्या सारे कुछ लोगों का मिली भगत करता है तो पता लगना चाहिए कौन लोग की मदद है कल कोई बड़ा घटना करी है सर तो कौन जिम्मेवार ठीक है और एक गल मैं थोड़े नोटिस और पा रेलवे रोड पर एक ट्रांसफार्मर लगेगा सर ये बिजली डिपार्टमेंट की जरा एक थोड़ा जहा एक एप्लीकेशन दी जा कि उसे ट्रांसफार्मर साइड किया जा ताकि उसे ट्रांसफार्मर लागे रेहड़ियाँ फड़ी जी लगे उसने भी ट्रांसफार्मर फटिया तो 10 भी बंदे कैजुअल्टी हो जाए और फिर उन्हें लाशा लेकर ढेर लाई देना रोज फिर असें लोगों ने डाना जिंदाबाद मुर्दाबाद सर वो तरीका नहीं है असं समझदार लोग अभी एमिकेबली गल करके प्लीज बिजली डिपार्टमेंट को जरा ट्रांसफार्मर उसे उठाया जाए और उसी दीवार कने साइड करवाया जाए ताकि वो पासे हो जा और रेहड़ी फड़ी भी उसे कोई उसे सारे कने नहीं लगे ये 2-3 समस्या जड़ियाँ इस इलाके सर बड़िया असं ज्यादा गल नहीं करके अगली मीटिंग थोड़े कने पूरा सहयोग करके रोड पर नहीं लगनी चाहिए और कोई भी ट्रक जरा है अगर कोई रिपेयर करने वाला है या कोई काम कराने वाला वर्कशॉप का तो साइड पर लगा जाए लेकिन उसका लोगों की बड़ी तंगी होती है और गरीब लोगों की आवाज़ जी सर अभी साढ़े बैठे जो अस खुले दिल कने गल करा करने बने जल्दी अस डिपार्टमेंट जाइए 2-2 घंटे बोलने के बाद कोई आम आदमी की गल सुनाती है इस वास्तव थाना दिवस जरा बनाया था ये लोगों की आवाज़ थोड़े तक पहुँचानी है और लोग थोड़ी तक आवाज़ पहुँचा तुम उनका निर्वाह करके सर इस वास्तव थाना दिवस प्रोग्राम जोड़े बने मैं असि पुलिस डिपार्टमेंट का वेलकम करके कि हर ग्रां ग्रां से हर पंचायत से किया जा ताकि लोगों की एक अवेयरनेस मिले और लोगों ने जो सुझाव थोड़े तक पुजन और लोगों की प्रॉब्लम जो तो दूर हो इस वास्तव कि मीटिंग का प्रोग्राम जरा इतने किया है सारा इे मकसद है कि अस थोड़े कने पूरा सहयोग करने वाले लोग हैं और सारे लोग सहयोग करन और जीडिया चोरिया चारियाँ जड़ियाँ लोगों ने मेरे शर्मा साहब ने मोटरसाइकिल दी 3-4 दिन की गल है जी बड़े अफसोस की गल है कि भैन जो हथ हथ मोटरसाइकिल क्या रास्ता निकल सकता है क्योंकि उस कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो वन साइड नहीं ले सकते कुछ चीज़ों को हमने देखना है कि उस चीज़ को हटाने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कोशिश यही रहेगी कि सबको कंफर्टेबल रहे किसी को प्रॉब्लम ना आए जैसे आप लोगों ने बताया कि मेन प्रॉब्लम जो है वो आपकी ये बाहर जो रोड करेंगे वे कुछ निकालेंगे आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो आप अभी इन्होंने बोला कि वो जो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं हमें पता नहीं है लेकिन किसी के घर में तो रहते हैं तो वो हमें बताएं कि हमारे घर में कौन रह रहा है ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो सके इन्होंने बोला कि दुकान के बाहर रेहड़ी लग जाती है वो दुकानदार की मर्जी के बिना नहीं लग सकती ये आप लोग भी जानते हो क्योंकि वो रेहड़ी के पैसे लेते हैं कोई दुकानदार नहीं चाहेगा कि मेरी दुकान पर आगे रेहड़ी इसी तरह ये हर दुकानदार के अगर 2-2 अगर रेहड़ियाँ लगना शुरू हो जाए तो वो पूरी जो है वो जैमिंग हो जाती है तो ये आप लोगों ने भी सोचना है और आपकी जो है यहाँ पे एक मंच बना हुआ है उसी से आप मैसेज दे सकते हैं आप जाके कर सकते हैं बात कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और जब तक आप लोग सब इकट्ठे होके ये डिसीजन ही लेंगे तब तक उसका रास्ता नहीं निकल सकता वो आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा विकास मंच आप देखिए कि मैं इसीलिए मैंने इनको बोला था कि अभी मैंने इनको बोला था कि आपकी सोच और एक और किसी की सोच में बड़ा फर्क है ये एक ऐसे लोग हैं जो नेशन बिल्डर इनका इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा कुछ देखा है इनकी सोच और उनके सोच में फ़र्क है आप इसी को देख लो ये जो इन्होंने हमें एक प्रेजेंट किया है कि क्या चीज़ है उसी से दर्शाता है कि इनकी सोच किस तरह की है एक
बुके जो है उसको ना देके उन्होंने इस चीज़ को दिया, प्लांटेशन को बढ़ावा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि विकास मंच जो है वो आगे भी काम करता रहे, पहले भी बड़े अच्छे काम कर रहा और काम करता रहे, और जो भी मसले हैं हमारे साथ आगे भी हम यहाँ पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे से मसले हो सकेंगे तो हम करेंगे, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी है वो आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर हमें बोलेंगे हम भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी कुछ होगा हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।